आवारा पशुओं के टकराने के कारण दुर्घटनाओं का होना कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही मामले उत्तराखंड में इन दिनों बहुत ज्यादा घटित हो रहे हैं, जहां एक पशु दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया और तुरंत उपचार किया गया। उत्तराखंड में इन दिनों सड़कों पर आवारा पशुओं से टकराने के कारण हो रही दुर्घटनाओं के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला गदरपुर के चक्की मोड़ का है, जहां आवारा पशुओं ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं एक आवारा पशु दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे मौके पर ही पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर रवि कुलवे ने उपचार कर पशु की जान बचाई। उन्होंने कहा कि लोग पशुओं को सड़क पर छोड़ देते हैं, ऐसा ना करके वे पशुओं को गौशाला में छोड़ दें, जहां उनकी जान बच सके। कोई दिक्कत नहीं, इसका टैग नंबर है मेरे पास, मैंने अभी फोटो भी खींच ली है इसकी, इसके ऑनर का मुझे पता लग जाएगा अभी, ठीक है। हमारे पास सब सिस्टम ऑनलाइन है आजकल। जिस ऑनर की गाय है उसके खिलाफ भी हम कंप्लेन करेंगे, क्योंकि जो बहुत गलत है ना। मैं चाहता हूँ कि कभी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें और बताएं कि बैल तो आदमी नुकसान कर ही रहा है जो, और गाय भी नुकसान कर रही है। फायदा क्या, गाय हमारी माता है, हम नहीं चाहते हैं कि गाय का कहीं ना कहीं ऐसा शोषण हो। देखो, अगर जानवर अगर छुड़वाए हैं तो इनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को इस तरह कदम उठाने चाहिए, है नहीं। ये 5 किलो अनाज बांट के 1 कुंटल का आदमियों का नुकसान हो रहा है नहीं। पब्लिक परेशान है इस चीज़ से, है नहीं। इसकी व्यवस्था की जाए, हमारे यही उससे मिल जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।